गुड इवनिंग फ्रेंड्स, धनुष ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए SSC CHSL का जो 4 मार्च 2018 को एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ उसमें किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आगामी होने वाले परीक्षाओं में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन था, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, फोल्डिंग इमेज से एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, मैट्रिक्स से भी एक था, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था, सीरीज से 3 क्वेश्चन था, एनालॉगस से 3 या 4 क्वेश्चन था, और ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था, मिसलेनियस से 7 क्वेश्चन था। तो ये था। और फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम का लेवल था वो कोई टफ नहीं था, इजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे, सो डिफ़िकल्टी लेवल कोई कुछ ज़्यादा नहीं था। तो चलिए अब मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के बारे में बताता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस में स्टेटिक्स GK से 1 क्वेश्चन था, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा था, 2 से 3 था, फिजिक्स से भी 2 से 3 था, और करंट अफेयर्स से फ्रेंड 4 से 5 क्वेश्चन था। सो इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, तो आप लोग करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग देख के जाइए। उसके बाद मैं अब बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में फ्रेंड्स क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक से 5 था, एरर स्पॉटिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था, एडम फ्रेज से 3 क्वेश्चन थे, एंटो साइनो 4 था, एक्टिव पैसिव वॉइस 1 था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 1 क्वेश्चन था, स्पेलिंग करेक्शन से भी 1 क्वेश्चन था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 से 3 क्वेश्चन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद मैं मैथ की बात करूँ, तो मैथ में फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, SI और CI से 3 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, और नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज से 2 क्वेश्चन था, और स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 1 क्वेश्चन था, DI से 3 क्वेश्चन था, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन था, और मिसलेनियस 3 से 4 क्वेश्चन थे। और मैं अब आफ्टरनून शिफ्ट के बारे में जो है फ्रेंड्स मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को आफ्टरनून शिफ्ट के बारे में बताऊँगा और इवनिंग शिफ्ट के बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, एंड फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू CHSL प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।